हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज यहाँ पे बात करने वाले हम व्हाट्सएप के एक नए मोस्ट अवेटेड फीचर 2019 का। मतलब 2018 में बहुत सारे रूमर थे कि ये फीचर आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा एंड ऑल, लेकिन अभी ये फीचर फाइनली आ चुका है। यहाँ पे कुछ लोगों को देखने को मिलेगा। और फीचर की बात करें तो फीचर ये है कि आप अपने आईफोन के अंदर, चाहे कोई भी आईफोन हो, उसके अंदर अपने व्हाट्सएप को कैसे लॉक करें। तो कैसे लॉक करें जानने के लिए देखते रहिए वीडियो। क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब। हाँ हाँ हाँ, देखो अब। देखिए, बात करें एप्पल इकोसिस्टम की, तो वहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड है। मतलब ऐसे आप कहीं से भी उठा उठा के कुछ भी मतलब इंस्टॉल नहीं कर सकते, ऐसे थोड़ी मतलब प्रॉब्लम रहती है उनकी। लेकिन क्या है कि बात करें एंड्रॉयड में, तो एंड्रॉयड में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि भाई आपको अपना व्हाट्सअप कैसे लॉक करना है, अनलॉक करना है, या जो भी करना है उसमें, मतलब व्हाट्सअप को आपको जो बनाना है बना दो। लेकिन एप्पल में ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एप्पल वालों ने बहुत टाइम बाद ये खास फीचर, मतलब बहुत सारे यूजर्स ने रिक्वेस्ट किया कि ये फीचर लाओ लाओ लाओ, कि कैसे आप अपने व्हाट्सअप को यहाँ पे लॉक कर पाओ अपने बायोमेट्रिक सिस्टम के थ्रू। चाहे वो हो आपका टच आईडी, फिर या हो आपका फेस आईडी, मतलब कोई भी आईडी यूज करे, लेकिन यहाँ पे व्हाट्सएप को लॉक करना है, मुद्दा ये था। तो यहाँ पे वो फीचर आ चुका है, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे करना है। तो मेक श्योर कि आपका व्हाट्सएप अपडेट आ गया हो, जो कि 4 फरवरी को रिलीज हुआ है। ये अपडेट होना चाहिए इस फीचर को इनेबल करने के लिए। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, व्हाट्सएप को अपडेट करना है, उसके बाद भी आपको खोलना है आपका व्हाट्सएप, उसके अंदर जाना है और ऐसा कुछ खुलता है आपका व्हाट्सएप। उसके बाद आपको देखो यहाँ पे जो सेटिंग वाला मेन्यू होता है, यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन जो सेटिंग वाला मेन्यू है उसमें जाना है आपको। वहां पे जाके आपको जाना है अकाउंट में, अकाउंट के अंदर आपको जाना है प्राइवेसी में। तो प्राइवेसी में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करते जाओ और यहाँ पे लास्ट में आपको जाके मिलता है स्क्रीन लॉक। यहाँ पे देखो रिक्वायर फेस आईडी टू अनलॉक व्हाट्सएप। अब मेरा आईफोन 10 है तो यहाँ पे फेस आईडी काम करता है, लेकिन इससे पहले के जो मॉडल है जिसमें फेस आईडी नहीं है, वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक थंब वाला टच आईडी काम करता है। तो वहाँ पे थंब नहीं, मतलब कोई सी भी उंगली है, सारी आपकी उंगली है, कोई सी भी कर सकते हो, लेकिन बायोमेट्रिक काम करता है। तो टच आईडी हो या फेस आईडी हो, सिस्टम यही रहेगा। यहाँ पे आपको स्क्रीन लॉक के फीचर में जाना है और यहाँ पे देखो रिक्वायर फेस आईडी, ये पूछ रहा है कि जब भी आप व्हाट्सएप को खोलोगे तो आपको फेस आईडी की जरूरत है, तो आप इसे इनेबल करना चाहते हो या नहीं। तो भैया इसको हम कर देते हैं इनेबल। और फिर यहाँ पे कुछ 4 ऑप्शन देता है कि आपको अचानक से चाहिए, मतलब बिल्कुल बंद करते ही आपको इनेबल करना है, या फिर 1 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे बाद आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। मोस्टली इमीडिएटली ही होता है, क्योंकि क्या पता 1 मिनट में कोई आपकी सारी प्राइवेसी देख ले। तो भैया इनेबल कर दो और बस यहाँ पे काम हो गया खत्म। अब देखो कमाल, पहले हमने व्हाट्सएप खोला था वो डायरेक्ट खुल रहा था, लेकिन अब हम व्हाट्सएप खोलेंगे तो यहाँ पे ये मांगेगा आपसे फेस आईडी। अब मैंने इसको अपना फेस दिखाया नहीं है, तो देखो रिकॉग्नाइज नहीं किया। इसको आप 3-4 बार ऐसे करोगे, 3-4 बार इसको फेस नहीं मिलेगा तो फिर ये आपका पासकोड पूछेगा। पासकोड पता ही ऑफ कोर्स आपको, बहुत बार ऐसा होता है कि आपका फेस आईडी हेलमेट वगैरह में हो या कुछ ऐसे आपने चश्मे पहन लिया ऐसे अतरंगी टाइप के, तो वहाँ पे मतलब एप्पल का सिस्टम भी फेल हो जाता है, वो बोलता पता नहीं कौन सा बंदा आ गया सामने। लेकिन फिलहाल अगर आपका सब कुछ कंडीशन ठीक है तो फेस आईडी काम करेगा। तो यहाँ पे इस बार इसको अपनी शक्ल दिखा देते हैं। ये मैंने किया नहीं, पासकोड नहीं, यूज फेस आईडी, और ये हो गया काम। और यहाँ पे देखो आप, मैं अपने व्हाट्सएप के अंदर घुस चुका हूँ। तो भाई ये यहाँ पे फीचर है जो कि मुझे लगता है काफी जरूरी था, क्योंकि बहुत टाइम से लोग चाहते थे कि ऐसा कोई फीचर आए, क्योंकि एप्पल में क्या है, एप्लीकेशंस को लॉक करने का ऐसा कोई फीचर है नहीं। तो वो ऐप इन ऐप फीचर ही मिलता है, मतलब अलग से कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं है एप्पल के इकोसिस्टम में जो बाकी सारे एप्लीकेशन को लॉक कर दे। फीचर अच्छा था, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कैसे काम करता है। अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में करो कि क्या समझ में नहीं आया। वैसे ऐसा कुछ है नहीं। इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं खत्म, आगे मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।